नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले बाजार की बड़ी बातें बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी वो पोस्ट मार्केट होती है 3:30 पे। मार्केट आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, स्टॉक्स कर रहे हैं आपके लिए। आप इंडेक्स को नहीं भी देखोगे ना तो चलेगा, लेकिन स्टॉक नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा। और पोर्टफोलियो में चाहे निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हो या 20 पॉइंट ऊपर हो, आई थिंक लाल निशान ही होता होगा। कोई कोई शेयर आपका डेफिनेटली डेली बेसिस पे 5-5% जंप मार रहा होगा, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो आपकी नेगेटिव होती होगी। ये कहानी है इस पूरे हफ्ते की। पूरे हफ्ते मार्केट में ऐसा ही रहा है जहां तक मैंने देखा है, नोटिस किया है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है, निफ्टी 24,829 पे, जहां पे ओवरऑल पूरा फुल मतलब आप जिसे कहो ना कि भाई आपका कितने परसेंट, तो मैं कहूंगा मोर देन 90% व्यू पॉजिटिव है निफ्टी पे। लेकिन स्टॉक्स पे आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा भैया पिटाई पड़ रही है, कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं कन्विक्शन नहीं आ रहा है, कोई ऊपर नहीं जा रहा है, चाहे आपको बाजार में कोई कुछ भी कह ले। देखो आज ऑटो स्टॉक्स पे रिपोर्ट आई, ऑटो स्टॉक्स चल गए। किसी दिन फार्मा चल जाते हैं, किसी दिन आईटी चल जाते हैं, किसी दिन टेक्सटाइल चल जाते हैं, किसी दिन शेयर बाजार से रिलेटेड चल जाते हैं, बाकी दिन गिरते हैं। यानी कि एक दिन चलते हैं, लोगों को लगता है ये चलेगा, वो खरीदते हैं, अगले दिन से पिटाई शुरू। ये कहानी चल रही है मार्केट में इस समय। अब पहले मैं आपको मार्केट का छोटा सा अपडेट दे दूं, तो निफ्टी केवल 13 पॉइंट हरे निशान में है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है 15-15, 20-20 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है 13 पॉइंट हरे निशान में। तो कुछ नहीं हो रहा, मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव साइड पे फिसल गई है इस समय। लगभग 1172 शेयर्स आपके नेगेटिव हो गए हैं, 1138 पॉजिटिव है इस समय। आपके पास अगर रुपए पड़ा है ना तो सिर्फ पड़ा रहने दो, वही फायदे वाली बात है। हाँ, वो एक अलग केस है कि आपने कोई स्टॉक चुन रखा था अच्छे भाव पे, आप थोड़ा ले रहे हो। देखो यही समय होता है जब हम ऐड करते हैं अगले 3-5 साल के लिए। लेकिन आप सोच रहे हो मैं अभी लूंगा, कल बाजार चलेगा, मेरा शेयर चलेगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा। मैं बता रहा हूं नहीं कर पाओगे आप, ये नहीं हो पाएगा इस मार्केट में। इनफैक्ट कोविड के बाद से जो रैली देखी है बुल केस में, उसमें मैंने ये समय देखा ही नहीं है जहां पे इंडेक्स ठीक है लेकिन स्टॉक टूट रहे हैं। लगभग थर्ड वीक ये रनिंग है जहां ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, और अभी तो इंडेक्स हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा है। अगर इंडेक्स में हल्की भी प्रॉब्लम आई तो स्टॉक्स का क्या होगा, ये सोच के भी डर लगता है मेरे को इस समय। बाकी इंडेक्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम का विषय दिख नहीं रहा है। टॉप गेनर्स में आपका CDSL है, हिमाद्री स्पेशलिटी है, PCBL है, नाइका है, मिंडा कॉर्प है। टॉप लूजर्स में आप आनंद राठी रिकवर कर गया, आई थिंक लोधा, वरॉक इंजीनियरिंग्स, गॉडफ्रे फ्लिप्स, त्रिवेणी टर्बाइन। अब देखो वरॉक इंजीनियरिंग कल भागा, आज नीचे आ गया, अब 2-3 दिन और नीचे आएगा तो सब बराबर हो जाएगा। हालांकि मैंने वरॉक पे कोई डिटेल रिसर्च नहीं करी है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही होता है, किस दिन ऊपर जाते हैं फिर 3-4 दिन नीचे चले जाते हैं शेयर्स। तो ये चल रहा है इस समय मार्केट में। अब आता हूं दोस्तों मैं अपडेट पे, मैंने मार्केट का अपडेट दे दिया आई थिंक पूरा, कुछ खास हो नहीं रहा है, इतना ही कहने लायक चीजें थी। दोस्तों यहां बात करने जा रहा हूं अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों अदानी ग्रुप को लेकर कुछ बड़ी खबरें चल रही हैं इस समय मार्केट में, ऑफिशियल लेवल पे नहीं है तो मैं उतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाऊंगा। खबर कुछ इस प्रकार चल रही है कि अदानी ग्रुप लगभग 30,000 करोड़ की सेलिंग कर सकता है। छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये 30,000 करोड़ की, यानी मार्केट में ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बाइंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। ऐसे में आप 30,000 करोड़ का माल और छोड़ने आ रहे हो तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। बट अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ही कहूंगा, ना कोई रिपोर्ट है ना कुछ ऑफिशियल है, तो रूमर्स ये बताया जा रहा है कि ये सेलिंग एक साथ नहीं आएगी, 12-18 महीने में आएगी, यानी अभी समय पड़ा अच्छा खासा। इसीलिए आई थिंक कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी थोड़ा सा टूट रहे हैं। अगर ऐसी कोई खबर आती है पर्टिकुलरली तो फिर वो दिक्कत होगी, एक बार में नहीं होगी, ट्रांचेस में होगी, अलग अलग अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज ही आप देख लो अदानी अंबुजा सीमेंट से उन्होंने 4,200 करोड़ रुपए जुटा लिए। इसी प्रकार 30,000 करोड़ की बात चल रही है कि भैया फंड रेज हो सकता है, फंड रेज होने की बात चल रही है। एक एक करके मैं स्टॉक्स आपको बताना चाहूंगा थोड़ा अदानी ग्रुप के। अदानी विलमार, इस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है जब से रिजल्ट्स आए, और मैं क्वार्टर टू के बाद इस स्टॉक में लगभग 430 से 450 का भाव देखता हूं। मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए और बैठना चाहिए लेके, ठीक है जी। अगला स्टॉक है अदानी पावर। क्वार्टर टू में और दिक्कत रहेगी, क्वार्टर थ्री से इस पे पॉजिटिव व्यू बन जाएगा मेरा, क्योंकि क्वार्टर टू में बेस काफी हाई है, 8,500 करोड़ के प्रॉफिट के सामने आप प्रॉफिट पेश करोगे, ईयर ऑन ईयर बेस पे नेगेटिव ही आएगा, लेकिन क्वार्टर थ्री से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वार्टर और प्रॉब्लम रह सकती है, 676 पे है, लेट्स सी अगर ये कोई गिरावट में आ जाए नीचे बढ़िया लेवल पे अराउंड 600-580, तो फिर वो खरीदने का भाव हो जाएगा अच्छा, वहां पे आप ले सकते हैं। अभी इसको मैं केवल वॉच लिस्ट में रखे हुए हूँ, और अगर मेरे पास है तो मैं लेके बैठा हुआ हूँ ये मैं कहूंगा, और अगर नहीं है तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, सिंपल राय है।
अदानी पोर्ट्स स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट होल्ड ही करनी चाहिए इसे, मतलब क्वालिटी स्टॉक्स को बेचकर कोई फायदा नहीं होता है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक नीचे जरूर मिलेगा, और नीचे मिलेगा तो वहां आप लीजिएगा। 1200 रुपये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस स्टॉक को कि हमें लेने का सही भाव जो मेरे को दिखता है बेस्ट टू बेस्ट वो है 1250 के करीब, पर वो आता नहीं है शेयर में। आप यहां से भी अगर ले लोगे तो पैसा बना लोगे, मेरे को लगता है 1490 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 1500-1600 रुपये आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन मोटा और बड़ा पैसा हमारा बनेगा इनकेस किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में 1250 मिल जाए तो 1700 रुपये के लक्ष्य रखेंगे, मतलब 50% तक का जंप आएगा और बैठेंगे लेके। अदानी एंटरप्राइजेस अभी पूरा फ्लैग, अब पूरा ग्रुप ही थोड़ा दिक्कत में दिख रहा है तो फिर फ्लैगशिप कंपनी कैसे ऊपर आएगी। 3080 पे ट्रेड कर रहा है, वैसे इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, बड़ी वाली तेजी की तैयारी में, और मैं ट्रस्ट में इस बार जब ये भागेगा ना शेयर 3800 दिखा देगा आपको। अभी ये कंसोलिडेशन पता नहीं कब तक और चलेगा, लंबा चल चुका है ऑलरेडी, लगभग 11 दिसंबर 2023 ऑलमोस्ट आपका अभी अगस्त खत्म होने वाला है, तो 8 महीने आप कह सकते हो रहा है, 8 महीने से वही 2800 और 3250 की रेंज में घूम रहा है 400 रुपये की। तो जैसे ये ब्रेकआउट आएगा ना, वो मतलब ब्रेकआउट आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली, मैं आपको 3250 के ऊपर लूंगा तो आप पहले ही 400 रुपये छोड़ चुके हो, और फिर वो 3800 रुपये 3200 बचा ही कितना, 550 रुपये टोटल रह गया आपका, तो वो बचेगा नहीं, लेकिन बैठे रहेगा वही पूरा इंजॉय कर पाएगा, 30% के करीब का इसमें पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। सबसे अच्छा ये रहेगा कि 2800 रुपये करीब मिल जाए तो आप लेके बैठ जाओ, फिर चाहे एक साल भी लग जाए, एक साल में भी अगर आपका 4000 हो गया शेयर तो फिर भैया 1200 रुपये अच्छा होता है मुनाफा, मतलब ऑलमोस्ट 40% रिटर्न्स हो गए। तो ये पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पे एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।